हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। गाइस, आज दिवाली है। दिवाली के उपलक्ष में हम लोग जो है यहां पर आए हैं। हमारे भाई साहब लोग भी आए हैं, हम लोग भी सब लोग मिल रहे हैं और दिवाली एक साथ मना रहे हैं। बगल में मामा लोग भी है, तो इसलिए जो है गाइस, आपको थोड़ी देर दिवाली की एंजॉय करते हुए पल आपको दिखाते हैं और आप भी अच्छे से मना रहे होंगे और आपने भी मनाई होगी अच्छे से। तो गाइस, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखेगा ज़रूर तो आपको भी देखने में एंजॉय आएगा। तो गाइस, ये देखिए आप, ये देखो इस तरीके से जो है ये क्या अनार जला रहे हैं। ये देखिए खूब मस्ती कर रहे हैं। ये देखो सोम तो खूब एंजॉय कर रहा है, इधर नीचे से उठा रहा है ये टुकड़े। वैसे तो पटाखे देख के दूर भाग रहा है। ये देखो गाइस। तो गाइस, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और इस समय जो है मास्क लगाना पड़ा, क्योंकि भाग रहा है कहाँ, उधर नहीं जाने का। देखो भाई साहब है, ओए शू आए भाई, हाँ ये पूरी लड़ी है, वाह एक साथ फाड़ोगे, चलो। ये देखो, अबे मनमोहन, बच गया शोमो, देखो डर के मारे। ये देखो इसके ना मुंह में लग गई है, जीभ में। ये देखो बाल, बात है। तो कैसे लगी बताओ ना, यहाँ वीडियो में बताओ। ये ना आग से लगी, आग। आग से बारूद मुंह में डालेगा तो और चोट आग से लगेगी है। अब से करेगा नाड़ी ना। नहीं करेगा, चलो ठीक। तो ये देखो ये जला रहे हैं। इधर आ, वो आँख में पड़ जाएगा। ये देखो, ये फिर रॉकेट टेक के बाद एक छोड़े जा रहे हैं यहाँ से और आक्रमण हो रहा है पाकिस्तान पर। देखो ये पीछे रह गया है। ये देखो गिर गया पाकिस्तान। ये देखो देखो कहाँ जा रहा है। ये पड़ोस में भी खूब धमाके मच रहे हैं। इधर देखो तो गाइस आप देख सकते हो पटाखे फट रहे हैं यहाँ पे। देखो देखो समुद्र। तो गाइस ये इशू जो है इसका, देखो शॉट का नंबर आ गया। तो ये सोम क्या कर रहा है, सोम क्या करेगा, फाड़ेगा या पर बम के साथ जाएगा ऊपर हैं। अबे यार ये क्या हो गया। अरे यार ये सारा अपने घर पे लग रहा है, फटाफट चेक करना पड़ेगा। ओए
अपनी शॉट होगी। हो गया गाइस, हमारी दिवाली खत्म हो गई है। रामगांव से ढमसा हाँ जैसे अभी जला रहे हैं सर जी, दो दो दूसरे खेला अभी ठंडा लग रहा है। चाचू की शादी का सामान बेटा इकट्ठा करते हैं हम इसको दो ना यार है ना, इसलिए वगैरह सब पटक हमने ढमसा फूक रहे हैं। ये कहाँ से लाया आपने डैम से? ये हमने इधर उधर से बहुत इकट्ठा किया है और फिर हमने जलाया है इसको। हमारे गांव में ऐसे मनाया जाता है। अच्छा, तो हमने गांव के रीति रिवाज के हिसाब से अपना यहाँ में भी हमने कोशिश की है। तो ये आपका डैम से है? हाँ, यहाँ पे हमने हॉलडे भी फूका अभी। हाँ, हॉलडे का तो आपने बताया नहीं, नहीं तो वीडियो बनाते। थोड़ा आप लेट हो गए तो गए परिचय तक करा तो। ये हमारे भाई जी, भाई बड़े भाई साहब हमारे, तो इन्होंने आज दिवाली में धमाका यहाँ पर मचाया है। दिवाली का तो खूब पटाखे फाड़े क्योंकि हम पर्वत क्षेत्र में थे, वहाँ इस तरह का नहीं होता है, हमारा जौनपुर में होता है इस तरह का ना। हाँ जी, ये ऐसा जो डेमसे है ये बल हमारे यहाँ होता है, जौनपुर में होता है, जौनपुर। तो और क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, मैं तो वहाँ रहता था बोरी नेट वाले, वहाँ तो मनाते नहीं कोई दिवाली। इसलिए मैंने सोचा जौनपुरी के साथ यार नीचे आके मनाता हूँ। कैसा लग रहा है आपको जौनपुरी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मुझे अब कराए। हेलो, हो गया आपका फुलझड़ी जला दी? फुलझड़ी सारी खत्म कर दी? वो पिपो पिपो पोप पोप कितने फाड़े? 10। बस चमो, कैसा लगा आपको? आपने क्या किया? मैंने तो पटाखे फोड़े। पटाखे और पप्पा पटाखे फोड़े दो ना। पप्पा पटाखे फोड़े और पटाखे कहाँ पड़े आपके मुंह में? क्या गया? तो गाइस आज तो ये बच गया। इसने तो क्या कर दिया था, वो फुलझड़ी होती है उसमें मुंह लगाया और पूरी बारूद मुंह में भर दी थी इसने। तो ऐसी उटपटांग हरकत करता है। जीभ देखो इसकी, ये देखो ये क्या है, ये देखो ये देखो ये। तो गाइस ये देखो, ये तो खुद फटने वाला था। तो गाइस ये रंगोली है, हल्दी वाले कलर इसमें यूज कर रखा है, आटे का कलर यूज कर रखा है और कई तरीके से कलर। पहली बार बनाई मोनिका और भाभी जी ने, साथ में मानवी नन की हेल्प कर रही थी।